यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि पसंद आए, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कोई कमी हो तो कमी बताएं, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को और अपने स्कूल चिल्ड्रंस को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की इस पोइम लेसन के माध्यम से। मैं क्लास सिक्स लर्निंग टुगेदर पोइम को कैसे हमें विद इनोटेशन और इनोटेशंस एंड रिदम्स के साथ हमें गाना है, मैं गा के बताऊंगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, विद उसका एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं लर्निंग टुगेदर क्लास सिक्स। Sixth grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers dream. We work hard each busy day. Then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math sets 1 through 10. Practice again and again. Play a game, sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poems to say. Learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean's blue. Working hard till year's end. We are classmates and good friends. We are proud of the courage we have made. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. तो इस तरीके से तो हमें लय के साथ और रिदम और इनोटेशन के साथ गाना है, गाने की प्रैक्टिस करना, उसे लर्न करने की कोशिश करना। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। इस पोएम में कवि, इस पोएम का राइटर क्या इस पोएम के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन स्टेंजा वाइज स्टेंजा बताऊंगा मैं। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माय फेस। जब बच्चा क्लास फिफ्थ पास करके क्लास सिक्स में आया है तो वो बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, क्लास सिक्स, सिक्स ग्रेड, क्लास सिक्स इज स्पेशल प्लेस है उसकी। सी द बिग स्माइल ऑन माय फेस, उसके चेहरे पे क्लास सिक्स में आने की खुशी झलक रही है। सी द बिग स्माइल ऑन माय फेस, मेरे चेहरे पे देखो इतनी बड़ी स्माइल, मेरी खुशी क्लास सिक्स में आ गया, क्लास सिक्स में आने की खुशी। आर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। सेकेंड स्टेंजा में कवि कह रहा है, अ क्लास, हमारी क्लास, पोइट खुद स्टूडेंट है, वो बोल रहा है हमारी क्लास एक ग्रेट टीम है, टीम की तरह काम करती है, टीम फीलिंग में मिल के काम करती है, इंडिविजुअल कोई काम नहीं होता। वी मेक आर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर्स को खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हर बिजी दिन में हम अपना काम, जो होमवर्क मिलता है, जो क्लास वर्क मिलता है, जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है, हम उस काम को बिजी डे के बावजूद भी टाइम निकाल के उसे पूरा करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, उसके बाद हम मैदान में खेलने जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज फन, 9 times 9 is 81। लर्न द मैथ फैक्ट 1 through 10। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। इसके बाद नेक्स्ट संज्ञा है मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीप्लीकेशन मैथ्स की मल्टीप्लीकेशन है वो फन की तरह हमें लेनी चाहिए, खुशी से और कोशिश करनी चाहिए।
और टेबल लर्न करनी चाहिए। 9 times 9 81 होता है, 9 9 जा 81, 9 गुणा 9 81 होता है। लर्न दी मैथ सेट्स 1 to 10, A to Z सारे सेट्स हमें लर्न होने चाहिए, सारे सेट्स लर्न करने चाहिए और उनकी बार 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 जब भी हमें टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, हमें गेम भी खेलना चाहिए, गाना भी गाना चाहिए, लॉट्स ऑफ फन भी करना चाहिए, हमें मजे भी करने चाहिए। ऐसे नहीं हम पढ़ाई ही करते रहें, मजे ही ना करें, बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते और फिर हमें पढ़ने में मन भी ना लगे, हम एग्जाम में फेल हो जाएं, तो वो भी हमें नहीं करना। खेल भी करना है, गाना भी गाना है, पूरे ईयर्स लॉन्ग गेम भी खेलने हैं, गेम में भी अपनी हेल्थ बॉडी फिटनेस बनानी है, पोइम भी गानी है, बुक्स भी रीड करनी है, पूरी ईयर लॉन्ग फन करना है, मजे करने हैं, बोरिंग नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, बुक्स टू रीड, पॉइंट्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और हमें हर रोज कुछ न कुछ नई चीजें सीखते रहना है। रीडिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ में रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न, मच टू डू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट दी ओशन ब्लू। रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है और स्पेलिंग भी लर्न करनी है, बुक को पढ़ना भी है, जो हमें होमवर्क लिखने के मिला है उसे लिखना भी है और साथ ही साथ स्पेलिंग भी लर्न करनी है। सो मच टू लर्न, मच टू डू, और हमें जो हम याद करने के लिए मिला है वो सब याद करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, हिस्ट्री में भी लर्न करना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है मैथ्स के साथ। मैथ्स तो पढ़नी पढ़नी है, मैथ्स के न्यू फैक्ट सीखने हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से समुद्र का पानी नीला है, ओशन ब्लू, वी इवन लर्न अबाउट दी ओशन ब्लू, ओशन ब्लू के बारे में भी सीखना है और सब कुछ सीखना है। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, पूरे साल हमें मेहनत करनी है। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड, हम क्लासमेट्स हैं, हम सभी पूरी टीम है, हम सभी क्लासमेट्स हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमने जो प्रोग्रेस की, हमने हिस्ट्री लर्न की है, इंग्लिश लर्न की है, मैथ्स ज्योग्राफी साइंस लर्न की है, मैथ्स के ऑल फैक्ट्स लर्न किए हैं, सीखे हैं, प्रैक्टिस की है और गाना गाया है, सब किया है, हमें पर प्राउड है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade, हम 7th class में जाने के लिए तैयार हैं। 6th grade इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, जो हम 6th place में हैं, 6th place बहुत अच्छी जगह है जिसमें पढ़ने में मजा आता है और उसके बाद हम 7th में चेहरे पे देखो खुशी है, हम सभी 7th grade में क्लास 7 में जाने के लिए रेडी हैं। तो ये है इस कविता का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं। ये बिल स्पेलिंग GRADE ग्रेड, ग्रेड मीन श्रेणी क्लास, बीम, बीम मीन हैप्पी खुश, यार्ड मैदान, फैक्ट्स तथ्य, ओशन महासागर समुद्र, प्रोग्रेस प्रगति। दैनिक क्वेश्चन आंसर है, हाउ डू मेक योर टीचर्स बीम, तो हमने टीचर्स को खुश कैसे किया। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच डे, रोजाना हमने क्लास में अच्छा काम करके हमने टीचर्स को खुश किया, रोजाना जो होमवर्क मिला हमने वो कंप्लीट करके खुश किया। क्वेश्चन बी है, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे, क्या कौन कौन सी चीजें आपने सीखी। लर्न मैथ्स फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, मल्टीप्लीकेशन इज फन, 9 times 9 is 81, तो ये है हमने न्यू लर्न सीखी। नेम द सब्जेक्ट्स डू यू स्टडी इन द क्लास, जो मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस। क्वेश्चन डी है, हाउ डू यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल,
इंजॉय कैसे किया? तो ये है स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा से पहले, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू सो मच टू लर्न मच टू डू, हमने सभी स्पेलिंग रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग भी की और मच किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पढ़ी और पूरी ईयर्स एंड तक हमने इंजॉय किया। वी आर ग्रेट टीम एंड ऑल्सो क्लासमेट्स। ये क्वेश्चन टू में मैचिंग करने हैं। सी वन लाइन कम्युनिटी ने सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, वी वर्क हार्ड इज बिजी डे, 9 times 9 is 81, books to read, poems to say, reading, writing, spelling, टू, इस तरीके से हमें ये मैचिंग करनी है। ये वन बाई वन लाइन्स हैं पोइम की, जो हाफ लाइन कॉलम ए में है हाफ लाइन कॉलम बी में है, वो हमें मैचिंग करके कंप्लीट लाइन्स बनानी है। मेक द लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स इस पोइम में से छाटने हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल्स के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।